विक्टोरिया शॉपिंग सेंटर, काफी बड़ा यहाँ पे बना है। हमार यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश है। हमार हरा प्याज पिछले साल तो बहुत लगाया था, पालक थी बहुत सारी, इस साल नहीं लगाया। वो अखरोट लगेगा क्योंकि वो जैसे मरी में अखरोट है। सेब का पौधा मैंने कहा था यहाँ पे ना झूला लेके लगा। लंदन विक्टोरिया स्टेशन और हम जा रहे हैं बर्मिंघम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं। आज हम जा रहे हैं बर्मिंघम, वहाँ पे हैं आपी के इन-लॉज, उनको मिलने, और मेरी छोटी सिस्टर मरियम उनके इन-लॉज भी वहाँ हैं, उधर भी जाएंगे हम। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जी। यह सबसे बड़ा स्टेशन है, ये ट्रेन स्टेशन सबसे बड़ा है लंदन का, विक्टोरिया स्टेशन। जो तो लंदन में रहते हैं उनको तो पता होगा, और जो लोग मुझे आउट ऑफ लंदन एंड आउट ऑफ इंग्लैंड देख रहे हैं, तो जो लोग लंदन आने की प्लानिंग कर रहे हैं हॉलीडेज, तो उनको उनके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि ये सबसे बड़ा लंदन का विक्टोरिया स्टेशन है। हम किस साइड पे जा रहे हैं? हमने इस साइड पे ही जाना है, और ये बहुत प्यारा है। मैं आपको इसका व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए जी, कितना बड़ा और कितना प्यारा सा खुला खुला बना हुआ है। लंदन सारा ही बहुत प्यारा है। मैं पकड़ लेती हूँ। चेरी तो आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। काफी यहाँ पे खुली हुई है ना शॉप्स खुली हुई है, यहाँ पे शॉप्स वगैरह खुली हुई हैं। ओके, बहुत प्यारा है। शॉपिंग सेंटर काफी बड़ा यहाँ पे बना हुआ है, और ईटिंग सेंटर भी है ये। शॉपिंग कर ली थी और अब हम भाग रहे हैं, जा रहे हैं बस की तरफ, जो जिसकी सीट्स बुक हुई हुई हैं। हम बस की तरफ जा रहे हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पे लिफ्ट बहुत कम मिलती है, यहाँ पे सीढ़ियाँ और शुक्र है मिल गई है। ओ माय गॉड, यहाँ पे लिफ्ट सिस्टम बहुत कम मुझे लग रहा है। हाँ मैं आ जाती हूँ, बैग्स वाले भी मेरे साथ आ जाए, ये तो बहुत स्लो है। बस स्टेशन
और ऐसे लग रहा है कि सारी बसेस हमारा ही वेट कर रही थी। तो फाइनली अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। 2 से 2.5 घंटे का सफ़र था, बहुत अच्छा गुज़रा। और अब हम यहाँ इस शहर में आए हैं, ये भी बहुत प्यारा है, क्वाइट एरिया है, बहुत बड़े बड़े प्यारे घर हैं यहाँ पे। यहाँ पे ग्रीनरी के साथ साथ हमें सफाई भी देखने को मिली कि ये टाउन बहुत साफ़ था और बहुत ग्रीनरी थी यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ट्रैफिक भी थोड़ी सी लंदन के मुकाबले में कम थी, क्योंकि लंदन में बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत बहुत फुल है, बहुत ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे, बहुत पब्लिक है। और हर जगह आपको लंदन में लोग दिखाई देंगे, बाज़ार, बसेस और रश, तो ये उससे हट के है। और ये वैसे भी छोटा टाउन था बर्मिंघम का, तो अच्छा लगा है, थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है। तो बस अब हम घर चलते हैं और बाकी का आपको मैं घर चल के दिखाऊंगी। तो फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए हैं आपी के इन-लॉज के घर। अमार यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश है, अमार बहुत खुश हो रहे हैं आप यहाँ पे। काफी क्वाइट एरिया है, बहुत प्यारा सा एरिया है, बहुत अच्छी जगह है। देखें जी इनका कितना बड़ा गार्डन है। और अमार यहाँ पे आके इतना खुश हो गया, वो तो सो गया, वैसे लग रहा है उसको कि मैं अपने घर वापस आ गया हूँ, वो ऐसे सुकून से सो रहा है माशाल्लाह से। तो इनका घर बहुत प्यारा, बहुत बड़ा सा घर है इनका। तो यहाँ पे देखें गार्डन है इतना बड़ा, इन्होंने फूल वगैरह लगाए हुए हैं और कुछ सब्जियाँ भी हैं शायद, देखती हूँ मैं। ऑलिव्स भी हैं यहाँ लगे हुए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला हाँ, नहीं ये तो लेमन है, ये लेमन और लेमन है ये, आप मुझे ऑलिव्स कह रही। ये होगा ना ये वाला, नहीं नहीं ऑलिव वो है रिदा, वो जो ग्रीन इसमें लगा हुआ है ना, हमें तारीफ करवा रही है। अच्छी गार्डन का सीजन खत्म हो गया था, ये खुद ही साल निकला है ये वाला, ये पुदीना कसम से जबरदस्त है। ये रहता गमले में लगा देना तो ये खुद ही अगले साल निकल आता है। आपका गार्डन है मुझे मिंट और नहीं गमले में, अच्छा आपकी बालकनी में है ना, नहीं आप छोटे उसमें रख के ना, मैंने पहले किचन की विंडो में रखा हुआ था, किचन में आप उसी जो इधर वाली विंडो नहीं है बड़ी उसमें आप ये ऑलिव है ना, हाँ मैंने भी रखा था लेकिन सूख गया, इसको पानी नहीं डालना पड़ता है। अच्छा क्यों कवर किया हुआ मैंने, प्याज हरा प्याज
पिछले साल तो बहुत लगाया था पालक की बहुत सारी, इस साल नहीं लगा। तो बहुत लेट निकलती है, मैंने भी इस पे बहुत एक्सपेरिमेंट किया लेकिन कुछ बना नहीं। काफी सारे अंदर रखा है। हाँ, इसको बाहर निकालने के लिए इसको ऐसे भी कहते हैं, ब्लैक पेपर में कुछ लपेट के रखते हैं फिर उसका वो गुद्दा सा निकलता है। ये समी ने कल खीरे का पौधा ला के लगाया, ये इतनी चेरी मामू से निकल गया, ये अमरूद पाकिस्तान से ये सूख गया सारा, ये अनार लगाया है अल्लाह अमरूद का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। सफ़र की वजह से हम रोज़ा नहीं रख सके क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था, हम बहुत थके थे। इंशाल्लाह से कल से फिर रोज़ा रखेंगे और आपको कल की परसों की और वापस आने की भी अपडेट देते रहेंगे। आपको आपस मेरे साथ रहिएगा और कोई व्लॉग आपने छोड़ना नहीं, देखना है, फुल देखना है और लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों फैमिली वालों के साथ शेयर भी करना है। तो बस हमने यहाँ पे खाना खाया, खाना बहुत ही मज़े का था, बहुत ही ज़्यादा देखने में भी मज़े का है और खाने में और भी ज़्यादा मज़े का था। तो बस चलती हूँ, इंशाल्लाह से फिर आएंगे नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।